रिहाई मंच लोकतंत्र की रक्षा करने वाले, लोकतंत्र में आस्था रखने वाले, अहिंसक ढंग से एनआरसी, एनपीआर और सीएए का विरोध करने वाले हर संगठन और हर व्यक्ति के साथ है। 29 जनवरी 2020 को बहुजन संगठनों द्वारा एनआरसी, एनपीआर और सीएए के विरोध में उसको वापस कर लेने के लिए, उस कानून को वापस लेने के लिए जो नारा दिया गया है भारत बंद का, रिहाई मंच उसके साथ है और उसमें शामिल रहेगा। इसी के साथ 30 जनवरी को जिस दिन गोडसे ने गांधी की हत्या की थी 1948 में, हम उस दिवस को एक काला दिवस और शहीद दिवस के रूप में मनाते रहे हैं और मनाते हैं। गोडसे की पूजा करने वाले, गोडसे की मंदिर बनाने वालों कि हम घोर निंदा करते हैं और शांतपूर्ण तरीके से उसका विरोध भी करते हैं। साथ ही हम 30 जनवरी को ये ऐलान करते हैं कि 30 जनवरी 2020 को शांति पाठ किया जाएगा जगह जगह और साथ में उनकी हत्या पर उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा और जगह जगह उनके भजन गाए जाएंगे। और गोडसे के हत्यारों की निंदा की जाएगी। आज जो लोग गोडसे का मंदिर बना रहे हैं, हम उनका विरोध करते हैं और इस देश के संविधान की प्रतियां जलाने वाले और डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भला बुरा कहने वाले और उनके विरोध नारा लगाने वालों की हम घोर निंदा करते हैं और उसके विरुद्ध भी हम खड़े होंगे। और 30 जनवरी को हम लोगों से अपील करते हैं कि अपनी अपनी जगहों पर या जहां कहीं भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, विरोध में धरना दिया जा रहा है, वहां इकट्ठा होकर के और इस कार्यक्रम में